हाय, मैं हूँ पूजा। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कुकिंग पूजा में। दोस्तों, आज बना रही हूँ मैं काफ़ी इजी सी सब्ज़ी। तो आज बना रही हूँ पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी। तो देखिए, हर किसी का ये सब्ज़ी बनाने का तरीका अलग अलग होता है। मैं जिस तरीके से अपने घर में ये सब्ज़ी बनाती हूँ, वो रेसिपी आज मैं आपको दे रही हूँ। तो बहुत ही जल्दी से बन करके तैयार होती है दोस्तों, एकदम बेसिक मसालों के साथ। एक्स्ट्रा मसाले इसमें डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो काफ़ी टेस्टी सी सब्ज़ी बनती है दोस्तों। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी भूलिए। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं आज मेरे किचन में पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी। चलिए अभी हम बना लेते हैं आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पर एक ले ली है कढ़ाई, इसमें डाल दूँगी मैं 2 टेबलस्पून जितना सरसों का तेल। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिया है सरसों का तेल, और सरसों के तेल को आप जब भी यूज़ करें उसको अच्छे से गर्म होने दें। तो देखिए, तेल मेरा गर्म हो चुका है। अभी यहाँ पर डाल दिया मैंने जीरा, थोड़ी सी डाल दूँगी यहाँ पर हींग। हींग और जीरा अच्छे से तड़क गया है। अभी यहाँ पर डाल दूँगी मैं, आप देख सकते हैं, मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू। मैं आलू पर से छिलका कभी नहीं उतारती हूँ, क्योंकि इसमें भरपूर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। अभी डाल दूँगी 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक हमें आलू को अच्छे से तेल में फ्राई कर लेना है। तो देखिए, आप देख सकते हैं आलू थोड़े से लाइट पिंक हो चुके हैं। अभी यहाँ पर डाल दूँगी मैं नमक। तो नमक यहाँ पर डालूँगी मैं सिर्फ आलू के हिसाब से, साथ में ही डाल दूँगी मैं यहाँ पर टमाटर। तो ये 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर हैं मेरे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट तक के लिए आलू और टमाटर हम पका लेंगे, जब तक कि आलू हमारे अच्छे से पक ना जाएं। तो देखिए, लगभग 3 मिनट के बाद मैंने चेक कर लिया है, आलू अच्छे से पक चुके हैं। अभी यहाँ पर डाल देंगे हम अपने मसाले। 1 चम्मच भर करके डाल दूँगी यहाँ पर हल्दी पाउडर। 1 बड़ी चम्मच डाल दूँगी यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच भर करके डालूँगी यहाँ पर मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर। 2 चम्मच पक के डालूँगी मैं यहाँ पर धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। अभी यहाँ पर डाल देनी है हमें पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को मैंने पहले से ही धो के रखा था, और इसका पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है पहले से ही, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है। अभी यहाँ पर डाल दूँगी मैं नमक। तो आप नमक ध्यान रखें, आलू में हमने पहले ही डाला हुआ है, तो यहाँ पर आपको पत्ता गोभी के हिसाब से ही नमक डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तों। ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बनकर के तैयार होती है। तो लगभग 2 मिनट तक हमें और पका लेना है ढक कर के। मैं ऑलवेज़ इस तरह से ही पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाना पसंद करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। यहाँ पर डाल दूँगी मैं हरी मिर्च, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, हरा धनिया, थोड़ा सा डाल दूँगी मैं यहाँ पर गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्ज़ी। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल सब्ज़ी हमारी बनकर के तैयार हुई है। ये सब्ज़ी दोस्तों बिल्कुल भी सौगी नहीं बनती है। ये सब्ज़ी लगभग 7 से 8 मिनट पर बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी इस तरह से सब्ज़ी को ज़रूर से बनाएं। आप मुझे ये ज़रूर से बताएं कि आप पत्ता गोभी की सब्ज़ी किस तरह से बनाते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके एक बार ज़रूर से बताइएगा। तो अभी मैं कर देती हूँ यहाँ पर गैस बंद, और इसे कर देते हैं सर्विंग प्लेट में सर्व। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना।